बाढ़ का पानी नखीघाट क्षेत्र में प्रवेश करने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण नखीघाट क्षेत्र पानी में डूब गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। पानी भरने के कारण बिजली कट गई है, जिससे लूम चलाने वालों को काफी समस्या हो रही है। क्षेत्रीय लोगों ने सहायता की गुहार लगाई है। लोगों ने बताया कि बहुत पुरानी समस्या है, जब भी बाढ़ आती है तब ये पूरा इलाका डूब जाता है। लोग घरों को छोड़कर अन्य जगहों पर शरण लेते हैं, कुछ लोग छतों पर जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या से निजात दिला दे, यही हम लोग चाहते हैं। कहाँ रहते हैं? दोसीपुरा रहते हैं। ये कौन सा एरिया है? ये है अंसार नगर नखीघाट। तो किस तरह की समस्या है आप लोगों को? हम लोग को ये समस्या है कि पानी जब आ जाता है यहाँ पर जो है तो कोई न तो अरे की कोई विकास है और न तो अरे की जो है तो कोई सहायता होती है यहाँ पर किसी भी चीज़ की। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप सरकार से निवेदन करें कि जो हम लोग की समस्या उसको दूर करें। क्या समस्या आती है आप लोग? समस्या यही है कि पानी आ जाता है और जाने आने का रास्ता बंद हो जाता है, सब लोग घर में कैद हो जाता है। हाँ, कुछ लोग घर भी छोड़ के चले जाते हैं। एकदम घर छोड़ के चले जाते हैं। इधर पीछे वाली बस्ती में तो एकदम घर छोड़ के चले गए, पूरे घरों में पानी घुस गया। हाँ, क्या हुआ है? पानी घुसा है तभी ना तो जाने का आने का रास्ता। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग की मांग है कि वो हम लोग का विकास करा दें तो अच्छा है। लगभग कौन कौन सा इलाका पूरा जलमग्न है यहाँ पे? ये मीरा घाट तक एकदम जलमग्न है। कौन कौन बस्ती लगभग है? यही बस्ती पूरी मीरा घाट तक चली गई है। अच्छा, अंसार नगर से मीरा घाट तक पूरा नखीघाट डूबा हुआ है। हाँ, शर्मा जी क्या समस्या है, कौन सा एरिया है ये? ये नखीघाट एरिया है। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को यहाँ पे? अब बत्ती उत्ती भी कट गई है। अच्छा, अब काम धंधा के लिए बत्ती भी चाहिए यहाँ पे, और पानी देखिए बहुत ज़्यादा आ गया यहाँ पे। अब घर छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, भाड़े पर इधर उधर रहते हैं, घरों रहने के लिए घर भी नहीं है कहीं पे मिलता है। तो रोजगार आप लोग क्या करते? रोजगार का मशीन है, बिजली का है, बिजली कट गई खत्म बात। मतलब पूरा रोजगार चौपट से है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आपका कुछ सुविधा मिले हम लोग के रहने होने के लिए? कितने एरिया, कितने बस्ती में पानी घुसा हुआ, कितने लोग परेशान हैं? ये तो करीब इधर देखिए 500,000 लोग हैं यहाँ पे रहते हैं नदी के। सारे लोगों की समस्या है यहाँ से लेकर कितने एरिया दूर तक सब मकान डूबा हुआ है अंदर।